आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्सों का हम खुद ही हटा दें। हमारे वतनी भाई जो हैं, उनको हमारी इस 4.5 मंजिल से जो कुछ इसके अंदर ज्यादा बढ़ गया है नक्शे के हिसाब से, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ है। इस मामले को जो है राजनीति तूल ना दिया जाए। हमारे ऊपर अगर प्रेशर है सिर्फ एक चीज का कि हमारी मोहब्बत बनी रहे। आज मुल्क को भाईचारे की जितनी ज्यादा जरूरत है शायद ही माजी में इतनी कभी रही हो। उस भाईचारे को और वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कहा है कि जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए, और जब कानूनी प्रतिक्रिया आपकी कार्रवाई पूरी हो जाए तो आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्से का हम खुद ही हटा दें। वो कितना हिस्सा है, 2 मंजिल है, 3 है, कितना आपने लिखे? जो एमसी देख के हमें बतलाएगी कि ये अवैध है उसको हम जो है मान लेंगे। जो जिस बहरहाल ये बात अपनी जगह सही है कि जो है दबाव किसी का धमकी आमेज नहीं है। दबाव ये है कि जो कल धक्का मुक्की हुई है या जो है बैरिकेड तोड़े गए हैं, तो हमें ये अंदाजा है कि शायद जो है हमारे वतनी भाई जो हैं, उनको हमारी इस 4.5 मंजिल से जो कुछ इसके अंदर ज्यादा बढ़ गया है नक्शे के हिसाब से, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ है। तभी वो जो है इस कदर सड़कों पे निकल कर आए हैं। तो उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि मुल्क का भाईचारा सबसे ज्यादा मुकद्दम है। अगर कारपोरेशन हमें इजाजत देगा तो हम उसको हटा देंगे। अगर बहरहाल जो है अभी हमने ये कहा है कि जब तक जो है कारपोरेशन अपना डिसीजन ना ले तब तक उतने हिस्से को बंद कर दे। वो कारपोरेशन जानती है, हमें कानून का इतना ज्यादा पता नहीं है जितना कारपोरेशन को पता है। जो हमने ये एप्लीकेशन दी है, ये हमने इसलिए दी है एप्लीकेशन के जो ये अनलीगल जो भी है, जो फैसला कोर्ट का आएगा वो तो जब आएगा, मगर जो हमने कल हालात देखे हैं या दिगर जगहों से जो भी हालात बन रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी जितने भी हैं सदियों से प्यार मोहब्बत से रहते हैं और आगे भी हम आग्रह करते हैं हम प्यार मोहब्बत से ही रहें। हमें इससे कुछ इस मामले को जो है राजनीति तूल ना दिया जाए। ये जो है धार्मिक मस्जिद हुई या मंदिर हुआ, जो भी ये चीजें हैं ये सब जो है प्यार मोहब्बत जो है बनाती हैं, ना कि ये प्यार मोहब्बत को ठेस पहुंचाती हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ये एप्लीकेशन दी है कि हम खुद ही इसको जो है डिमोलाइज कर देंगे और जो आगे उसका कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मान्य है। और ये हमारी कमेटी जो है, हमारे अब्दुल लतीफ भाई जो है हमारी कमेटी के प्रधान और मैं एज ए इमाम जमा मस्जिद संजोली जो है हमने यहाँ पर एप्लीकेशन दी। और किसी का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। हमारे ऊपर अगर प्रेशर है सिर्फ एक चीज का कि हमारी मोहब्बत बनी रहे। हम प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं और जितने भी हम हिमाचली वासी हैं या जितने भी हिंदुस्तानी हैं हम सब एक हैं। जैसे हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि जैसे बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बनता है, हिमाचल प्रदेश जो है वो तो इस मोहब्बत का जो है एक मिसाल है। तो लिहाजा मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूं, जितने हमारे मुस्लिम समुदाय के भी साथी हैं, मैं ये अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं प्यार मोहब्बत रखें। और जो हमने ये डिसीजन लिया है हमने सोच समझ के लिया है और ये मोहब्बत के लिए लिया है। इससे हमारे कोई वो भी नहीं है। जो कल फैसला आएगा कल देखेंगे। आज जो है हमने इसलिए किया कि हम इसको खुद डिमोलाइज करेंगे।